हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बिजली का फिटिंग कैसे किया जाता है आप देखें, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाइएगा दोस्तों कि वायरिंग कैसे किया जाता है। ये एंकर का प्लेट है और एंकर का पेंटा है, पेंटा बोलते हैं। और इसमें भी एसी लगा है, और ये मैनुअल मतलब कि ये रूम में दिया गया है, मोतिहारी काम हो रहा है। और ये अभी सिंपल है कि एक इन्वर्टर, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक बॉडी अर्थ दिया गया है। और इसी के लिए स्पेशल हम चार नंबर वायर, 4 mm तार को खींच दिए हैं। और आप लोग से विनती रहेगा कि मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर ही देखें। वो अर्थिन का है, बड़ी अर्थ का नीचे ले गए हैं। एमसीबी बॉक्स है, मेन बोर्ड है, और ये तार एमसीबी में जाएगा क्योंकि इसमें दो ब्लैक कलर को दिख रहा है, वो एसी का तार है। बाकी पीला इन्वर्टर है और रेड आपका पॉइंट हो गया। ये बेल घंटी का स्विच है। वो बॉडी अर्थ का है, नीचे जो गया है। एक किचन है, टू वे स्विच बनाया गया है, और टू वे स्विच है, एक बॉल, एक पंखा के लिए। एसी का पॉइंट है, 3 मॉडल बोर्ड लगेगा, एक एमसीबी लगेगा और एक 3 पिन सॉकेट लगेगा। एक फैन का है, एक टू वे सिस्टम है, 6 मॉडल बोर्ड है, और एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच दे दिए हैं, डिमर है, और 2 स्विच है, एक बल्ब, एक पंखा के लिए। ये दोस्तों आपका एक बाथरूम लेटरिन का हो गया। वहाँ पर बेल घंटी का पॉइंट निकालेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पर बने रहें और कमेंट करके बताएं। ये देखिए एंकर का पेंटा लगा है इस रूम के अंदर, और ये एमसीबी बॉक्स अपना सेट कर दिए हैं, लाइट भी दे दिए हैं। और देखिए मेरा ऐसे यही मतलब इसी के बाद का फैन भी चला कर दिखाएंगे आपको, टू वे सिस्टम के माध्यम से।